सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल आप सबके लिए एक कहानी पीएन पानिकर नेशनल रीडिंग मूवमेंट के एक हिस्से के रूप में लाया है, जो 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन के बीच रीडिंग एंड डिजिटल रीडिंग के संदेश के रूप में 2022 तक पहुंच सके। तो आज की कहानी मैं अवंतिका सरकार कक्षा 8 की छात्रा आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। चार दोस्त। एक बार चार दोस्त थे। चारों को पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। चारों पूरा दिन खेलते रहते थे। एग्जाम के पहले वाले दिन भी वह खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि टीचर से जाकर झूठ कहेंगे और एग्जाम बाद में दे देंगे। अगले दिन चारों टीचर के पास गए और टीचर से झूठ बोलने लगे कि कल रात हम एक शादी में गए थे, शादी से वापस लौटते समय हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर नहीं था, इसलिए हमें गाड़ी को धक्का मारते मारते घर तक लाना पड़ा। कल रात हम इतना थक गए थे कि आज एग्ज़ाम देने की हालत में नहीं है, तो क्या हम कल एग्ज़ाम दे सकते हैं? टीचर ने उनकी बात सुनी और कहने लगे, ठीक है, तुम कल एग्ज़ाम दे सकते हो। चारों यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए और घर जाकर पढ़ने लगे। अगले दिन चारों एग्ज़ाम देने पहुँचे। टीचर ने चारों को अलग अलग क्लासरूम में बिठाया। क्वेश्चन पेपर में बस दो ही प्रश्न थे, पहला तुम्हारा नाम क्या है और दूसरा कि गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। चारों ने झूठ कहा था, इसलिए चारों के उत्तर अलग अलग थे। इस प्रकार टीचर ने उनका झूठ पकड़ लिया। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे अपील करता है कि आप भी एक ऐसी कहानी पढ़ें और अपने 10 फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भेजें। तो अगले संडे हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।